हेलो एवरीवन, आई एम निशा। और जो हम प्रोनाउन की कर रहे थे लास्ट वर्कशीट जो हमने की थी, लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी प्रोनाउन में, उसमें पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया था, राइट। इस वाली वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, ओके। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बाकी के अदर काइंड डिस्कस करेंगे। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स यूज फॉर नाउन्स टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए, राइट। जैसे दिस इज माय बुक, अब यहां पे आपने बुक को पॉइंट आउट किया। दैट इज एन एरोप्लेन, वो एरोप्लेन है। दीज आर माय बुक्स, ये मेरी बुक्स है। दोज आर काइट्स, वो काइट्स है। आप देखिए एक चीज और, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो आप This and that use करेंगे, और जब more than one होता है तो आप these and those, पास की चीजों के लिए these और दूर की चीजों के लिए those, got it? Yes, next one, interrogative pronoun, pronouns which are used for asking questions, ऐसे pronoun words जो questions पूछने के लिए use किए जाते हैं, okay? जैसे what is your father's name, ये question है, और क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है? व्हाट का यूज करके। सो व्हाट क्या है? मेरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है? क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? हु, ओके। सो हु क्या है? मेरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, हुम डू यू वॉन्ट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं? तो क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? हुम इसमें, ओके। विच इज योर टॉय कार, तो इसमें हमारा क्या होगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन? विच। हुज इज दैट हाउस, वो घर किसका है? कौन इसमें वर्क कर रहा है बताइए मुझे? हुज। तो हुज क्या है? मेरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव देखिए, जैसे इसका नाम बता रहा है, जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, क्या होते हैं, उसी से हमारी कड़ियां जुड़ती हैं, ठीक है। हमारा रिश्तेदार है, फिर उनके कोई बच्चे हैं, वो भी हमारे जान मतलब रिश्तेदार बन गए, उनके कोई जानने वाले, वो हमारे रिश्तेदार बन गए। तो रिलेटिव्स क्या होते हैं? जो जोड़ते हैं, ठीक है। वर्ड्स यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस, तो ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए यूज होते हैं। टू रेफर बैक टू अ नाउन और प्रोनाउन, जो उस नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें बता रहे हैं, ठीक है, उसे ज्वाइन करके। फॉर एग्जाम्पल, He is the boy who stole my gold chain. ये वो बॉय है जिसने मेरी गोल्ड की चेन चुराई है। तो अब दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है? Who? Next, this is the tiffin box which I lost yesterday. कि वो टिफिन बॉक्स है जो कल मेरा खो गया था, ओके। आई न्यू दिस द मैन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं जानती हूं उस आदमी को जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तो यहां पे कौन है? You are talking about or I know the man. इन दोनों को कौन join कर रहा है? That. Next, this is the child whom everyone likes. कि वो बच्चा है जिसे सभी लोग पसंद करते हैं। तो यहां पे क्या है हमारा? Whom. This is the man whose daughter is in my school. ये वो आदमी है जिसकी जो daughter है वो मेरे school में पढ़ती है, ठीक है। तो आपने देखा यहां पे Who, which, that, whom, whose. ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। What, who, whom, which, whose. ये इंटरोगेटिव। डिफरेंस क्या है? ये आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में लग रहे हैं जिससे क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, और ये आपके दो सेंटेंसेस के मिडल में यूज हो रहे हैं, ठीक है। यही इनके बीच में मेन डिफरेंस है, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बीच में। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।